देखिए साहब, आज चार दिन से हम लोग यहाँ हैं, इसके पहले तीन दिन से यहाँ पे सदन में आए। क्या सदन चला यहाँ पर? एक दिन लाइट चले गई, शिवसेना बीजेपी सरकार दोनों का ये नाटक पूरी महाराष्ट्र की जनता देख रही है और इसका इनको भुगतना पड़ेगा 2019 के चुनाव के वक्त। यहाँ पर नागपुर के अंदर इन्होंने अधिवेशन रखा और क्या हो रहा है अधिवेशन में? सांगा मलबारी का गेम क्या चल रहा है? नानर के नाम के ऊपर कल भी सदन को स्थगित कर दिया गया, आज भी सदन स्थगित कर दिया गया। अरे हम लोगों को लोगों ने बड़े विश्वास के साथ चुन के यहाँ पर भेजा है सदन में कि अपनी बातें रखे। मुंबई का हाल आप सब लोगों ने देखा है, बारिश के एक महीने में 37 लोगों की जाने चले गई है। यहाँ पर अहम मुद्दे थे, खड्डों के मुद्दे थे, रस्ते के मुद्दे थे, क्या हम उठा सके? मुद्दे नहीं उठा सके। करोड़ों रुपया एक्स टैक्स पेयर का लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा मंत्रालय खाली पड़ा हुआ है। यहाँ इन लोगों ने आके ये रख दिया नागपुर में मॉनसून सेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ नाटक के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। अगर शिवसेना को इतना ही है तो सत्ता छोड़ दो ना। आपको सत्ता का मजा भी चखना है, बॉयकॉट भी करना है, दोनों तो नहीं चलेगा ना। महाराष्ट्र की जनता से मैं गुहार लगा रहा हूँ, देखिए ये नाटक यहाँ पर, ये अगले हफ्ते में भी होगा। ये सदन चलने नहीं देंगे, लोगों का पैसा वेस्ट होगा और जो अहम मुद्दे हैं राज्य के वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। चार साल से मुद्दे उठा रहे, किसी के कान में नहीं जा रही बात। कुछ काम नहीं हो रहा है हमारे महाराष्ट्र राज्य में, ना किसान का कर्ज माफ हो रहा है, ना रस्ते बन रहे हैं। आज की घटना सुनिए, ऑटो रिक्शा कल्याण में पलट गया, दो बच्चे उसमें से खड्डे में गिर के मर गए। कौन जवाबदारी लेगा? किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है? या वो मुद्दा उठाना था हमको, नहीं उठा सके। क्या है, बस यहाँ आ रहे, पिकनिक बना रहे, करोड़ों का खर्चा हो रहा है लोगों का, टैक्स पेयर का, वापिस अपने घर जाएंगे। तो ये नाटक सरकार को बंद करना पड़ेगा। मेरा आग्रह है पूरे महाराष्ट्र की जनता से, आवाम से, कि याद रखिए कि सदन में इस तरह की चीजें हो रही है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, ना आपका कोई काम हो रहा है, ना विकास की बात हो रही है, सिर्फ बॉयकॉट और पिकनिक। 2019 आ रहा है, याद रखिए आपके दिमाग में ये बातों को। बस मेरा माननीय मुख्यमंत्री सी के निवेदन है कि आप अगर अगली 5 दिन के अंदर इसी तरह चलना है तो हमको बोल दीजिए ना, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे। या लोगों का विश्वास के ऊपर हम यहाँ आए उनकी आवाज़ उठाने, मुद्दे उठाने, और आप लोग बंद कर देते हैं सदन ही पूरा, क्योंकि आपको पब्लिक के पैसे की फिक्र है? नहीं है फिक्र ना। जनता दिखाएगी आपको फिक्र का क्या होता है। 2019 चुनाव आने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े देखिए, अभी 2014 के चुनाव के पहले जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो उनके मुद्दे क्या थे? काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में जमा करेंगे। मैं तो रोज खाप देखता हूँ, आज तक मेरे अकाउंट में आया नहीं, ना आने वाला है। विकास का काम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। और चुनाव के बाद क्या हुआ? गाय गंगा दंगा मंदिर और अभी भगवत गीता पार्टी जा रही है। अरे तो आप क्या लोगों को ठगने के लिए आए हो यहाँ पर? मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, मदरसों में एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान दिया जाएगा, तो आप जीआर निकाले, सबको कुरान भी बांटिए। अरे क्या रिलीजन के नाम पे आप पॉलिटिक्स करेंगे? क्या अलजेब्रा ज्योमेट्री साइंस फिजिक्स को भूल जाएंगे लोग? ये क्या हो रहा है देश में, कैसा आगे बढ़ेगा? और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह से बनेगा। तो ये सरासर 2019 के पहले की तैयारी कर रहे हैं लोग, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर देश की जनता समझदार है, जानती है कि अब इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब टिकेगा वही जो विकास का काम करेगा, टिकेगा वही जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, टिकेगा वही जिसमें श्रमता है काला धन वापस लाने की। सफेद धन नीरव मोदी, विजय माल्या देश का लेके भाग गए, सब उल्टा हो रहा है देश में। आज रिलीजन पॉलिटिक्स करोगे आप, लेकिन मेरे देश की जनता का एक एक युवक मैं जानता हूं होशियार हो चुका है, एक एक वोटर होशियार है। अब वो जुमलेबाजी पे नहीं जाएगा, अब वो उसी के साथ जाएगा जो विकास करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, देश की तरक्की में कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ने की सोच रखेगा। शुक्रिया।